आज हम बात करेंगे महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और हॉकी की गोल मशीन कही जाने वाली रानी रामपाल के बारे में, जिन्होंने 24 अक्टूबर को हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। याद रहे, उन्होंने हॉकी खेलने से संन्यास लिया है, हॉकी खिलाने से नहीं, क्योंकि वो इस समय भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम की कोच हैं। अब रानी रामपाल गोल नहीं करेंगी बल्कि नई गोल मशीन तैयार करने का काम करेंगी। रानी रामपाल जिस त्याग तपस्या और कठोर परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंची हैं, जो आज के युवाओं विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। उनके पिता रामपाल ठेला रेडी चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे और उनकी माता लोगों के घरों में काम करती थी। रानी रामपाल कहती हैं कि बचपन में उनके घर में गरीबी के चलते जब एक टाइम का खाना मिल जाता तो दूसरी टाइम के खाने के आस नहीं होती थी। इस प्रकार से वो बचपन में कुपोषण का भी शिकार रही। इसके कारण रानी रामपाल शरीर से बहुत दुबली पतली थी। उन्होंने पड़ोसी के घर पर टीवी पर जब हॉकी मैच देखा तो उनके मन में हॉकी के प्रति जुनून पैदा हो गया। अगले ही दिन शाहबाद मारकंडा के हॉकी स्टेडियम में हॉकी खेलने के लिए द्रोणाचार्य अवार्डी कोच बलदेव सिंह के पास पहुंची। तब कोच बलदेव सिंह ने कहा था कि आप बहुत दुबली पतली हैं, हॉकी कैसे खेल पाओगी, लेकिन फिर भी कोच बलदेव सिंह ने उन्हें हौसला दिया और उत्साहित किया। रानी रामपाल का कहना है कि बलदेव सिंह ने उनकी जिंदगी बदल दी और उनके द्वारा सिखाए गए हॉकी के गुर की बदौलत उन्हें 14 वर्ष की आयु में 2008 में इंडियन जर्सी पहनने का मौका मिला और हॉकी में डेब्यू किया, जो हर खिलाड़ी का सपना होता है। इसके बाद रानी रामपाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2010 में भारत की जूनियर हॉकी टीम की खिलाड़ी बनी। इसके बाद 2017 के एशियन कप में गोल्ड, 2018 में सिल्वर और 2020 में इंडिया के लिए कई मेडल जीते। बाद में भारतीय टीम की कप्तान बनी और टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनकी टीम मेडल जीतने से चूक गई और टीम को चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। रानी रामपाल आगे कहती हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा गर्व तब हुआ जब 2020 में वे अपने पिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पिता को छाती से लगाकर कहा, मुझे रानी से ज़्यादा गर्व आप पर है, क्योंकि आपने अपनी बेटी के लिए जो किया है वो हर बाप अपनी बेटियों के लिए करे। रानी को अपने जीवन में खेल के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दौर में इंजरी के चलते लोगों ने यहाँ तक कह डाला था कि रानी शायद ही अब हॉकी खेल पाए। इसके बावजूद उन्होंने हॉकी खेली ही नहीं, 254 हॉकी मैच खेले और 205 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। तभी तो रानी रामपाल को हॉकी की गोल मशीन कहा जाता है। रानी रामपाल को 2020 में भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अपनी इस सफलता में रानी रामपाल उड़ीसा, हरियाणा और भारत सरकार के साथ साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान मानती हैं और धन्यवाद प्रकट करती हैं। 24 अक्टूबर 2024 को 30 साल की उम्र में 16 साल के खेल करियर के बाद भावुक होते हुए हॉकी खेल से संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने महिला हॉकी इंडिया लीग में सूरमा के कोच के रूप में नई पारी का आगाज करने का भी ऐलान किया है। हॉकी की गोल मशीन कही जाने वाली रानी रामपाल अब खुद मशीन न बनकर नई गोल मशीन तैयार करेंगी। रानी रामपाल का कहना है कि जब वे अपने शाहबाद मारकंडा में लौटती हैं तो लोग अपनी बेटियों को कहते हैं कि तुम्हें रानी जैसा बनना है, ऐसे में लगता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। उनका कहना है कि वे हर माता पिता से यही गुजारिश करेंगी कि वे अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे करने का मौका दें, एक दिन आपको उन पर गर्व होगा और इस प्रकार से आगे और कई रानी पैदा होंगी।